गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों और महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी? कैसा था हमारा एजुकेशन सिस्टम? बच्चे स्कूल जाते थे या गुरुकुल? कैसे ये एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ और कौन कौन से रिफॉर्म्स आए? सभी लॉज के बारे में जानेंगे इस लेसन में। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। मैं हूँ आरती मिश्रा, यहाँ आप मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे बदलावों की जरूरत थी। ये जरूरी था कि भारतीय समाज में कुछ सुधार लाए जाएं। ऐसे सुधार लाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता आगे आए। ऐसे ही एक रिफॉर्मर थे राजा राममोहन रॉय। इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया जिसे ब्रह्मो सभा कहा गया। बाद में ब्रह्मो सभा को ही ब्रह्मो समाज कहा गया। ये कलकत्ता में था और राजा राममोहन रॉय के अनुसार अब ये वक्त आ चुका था कि जब भारत के समाज में कुछ बदलाव लाए जाए और लोग जो पुरानी कुरीतियां अब चली आ रही हैं उससे दूर निकल के आगे बढ़ें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसे एक रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने कहा कि विधवा पुनः विवाह हो सकता है और इसके लिए उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुरानी जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं भारत में उनमें ये चीज लिखी गई है और वो इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं कि विधवा चाहे तो दोबारा विवाह कर सकती है और अपने जीवन को सुधार सकती है। उन्हीं के सजेशन की वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक लॉ पास किया 1856 में जिसके द्वारा विधवा पुनः विवाह को परमिशन दी गई। और ऐसा ही काम जो है साउथ इंडिया और दूसरे रीजन्स में भी हो रहा था, जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पे वीर सलिंगम पंतुलु थे जिन्होंने इस प्रकार का एक एसोसिएशन बनाया और उन्होंने भी विधवा के पुनः विवाह के बारे में बात की। और बॉम्बे में भी ऐसे ही काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स थे। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने कहा कि एक रिफॉर्म एसोसिएशन होगा जिसे आर्य समाज कहा गया। आर्य समाज भी विधवा के बारे में सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स भी थे जो कि अंधविश्वास से जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स थे जो लोगों में काफी पॉपुलर थे और उसमें लोग अपने आप को पेयर्स करके, अपनी स्किन में छेद करके और अपने आप को नुकसान पहुंचा के कहते थे कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब उनके अनुसार वो पूजा पाठ कर रहे हैं और वो इसे धर्म से जोड़कर देखते थे, लेकिन ये काफी पेनफुल था। इसलिए अर्ली 19th सेंचुरी के आते आते जो यूरोपियन ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडियन कस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बार्बरिक है सारे लॉज, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत हिंसक हैं, वो अपने आप को और दूसरों को अटैक करते हैं, चोट पहुंचाते हैं और फिर इसे धर्म का नाम दे देते हैं। इसीलिए दयानंद ने जब आर्य समाज को फाइंड आउट किया था 1875 में, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म करे, यहाँ के धर्म पे सुधार लाए। जो धर्म होता है वो सुधार करने के लिए ही होता है, लेकिन धर्म में भी कभी कभी सुधार करने की जरूरत हो सकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सोचा कि हिंदू लॉज जो है उन्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब जो लड़कियां हैं उन्हें भी स्कूल भेजा जाना जरूरी था, लेकिन लोग डरते थे कि अगर लड़कियां बाहर जाएंगी तो हो सकता है कि वो घर का काम ना करें और हो सकता है वो बिगड़ जाएं, या फिर उन्हें अगर पब्लिक प्लेसेस से जाना पड़ेगा तो वो हो सकता है उनके लिए सेफ ना हो। इस तरह की बहुत सारी बातें थी, तो लोग ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि लड़कियां भी स्कूल जाएं और पढ़ाई करें। इसलिए बाद में क्या हुआ, जब आर्य समाज अपना काम कर रहा था तो इसी बीच में आर्य समाज ने पंजाब में कई सारे ऐसे स्कूल खुलवाए जिसके द्वारा अब जो है लड़कियां भी स्कूल जा सकती थी और पंजाब में लड़कियों के लिए काफी सारे स्कूल खुले। और दूसरी तरफ ज्योतिराव फूले थी जो कि महाराष्ट्र में थी, उन्होंने भी इसी प्रकार से स्कूल खुलवाए और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। अब जो कुछ औरतें थी जो कि लड़कियों के लिए कुछ लिखना चाहती थी उनके साहित्य के बारे में, उनके बारे में, और उन्हें बताना चाहती थी कि वो भी पढ़ लिख सकती हैं। तो अर्ली 20th सेंचुरी के आते आते एक मुस्लिम वुमेन है जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल, जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जिससे कि जो शिक्षा है वो जा सके वुमेन में और वो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया अलीगढ़ में और फिर वहां से जो है एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई जिसके द्वारा अब लड़कियां भी पढ़ सकती थी।
एक और लेडी है बेगम रुकैया सिखावत हुसैन, जिन्होंने स्कूल शुरू किया था मुस्लिम गर्ल्स के लिए जो कि पटना और कलकत्ता में था। ताराबाई शिंदे भी थी जो कि घर पे पढ़ी और अपने आप उन्होंने सब कुछ सीखा, इसलिए फिर बाद में उन्होंने अपने जब उन्होंने अपनी स्थिति देखी तो उन्हें लगा कि जरूरी है कि लड़कियां भी पढ़ें और उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, जिसमें ये क्रिटिसाइज किया गया कि जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं औरतों में और आदमियों में वो नहीं होने चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे जो हो रही थी। इसके अलावा बॉम्बे में परमहंस मंडली थी जो कि 1840 में आई और ये बात कर रही थी कास्ट के एबोल्यूशन की, यानी कि जो जाति प्रथा है उसे खत्म किया जाना चाहिए। ये जो एसोसिएशन होते थे, ये जो रिफॉर्मर्स थे, इसके मेंबर ज्यादातर अपर कास्ट से आते थे, ऊंची जाति के ये लोग हुआ करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर कास्ट के रिफॉर्मर नहीं थे, लोअर कास्ट में भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे और बहुत सारे ऐसे भी महर पीपल थे। महर पीपल कौन है? ये थोड़े अनटचेबल माने जा रहे थे। अनटचेबल मतलब ये और भी जो नीचे, मतलब कास्ट में भी जो चार वर्ण थे, चतुर्वर्ण, उनमें भी सबसे नीचे अनटचेबल्स को रखा जा रहा था और वो कह रहे थे कि इनका अगर हमें कोई ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा, हमें अगर इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो फिर इस तरह से महर जो पीपल है उन्होंने जॉब ढूंढी महर रेजिमेंट में और वहां पे ये लोग नौकरी करने लगे। तो हम सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर को, उनके पिता जो थे वो दलित मूवमेंट में उन्होंने एक लीडरशिप रोल निभाया और उन्हें भी आर्मी स्कूल में ही शिक्षा दीक्षा मिली थी। तो इस प्रकार से काफी सारे लोग थे जो मिडिल क्लास से निकल के आ रहे थे, वो रिफॉर्मर्स थे, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो थिंकर्स थे जो कि समाज में बदलाव लाना चाहते थे। यहाँ हमारा ये लेसन खत्म होता है। इसमें और भी सारी बातें हैं जो कि हम पार्ट टू में करेंगे और बाकी के रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो लेसन 9 का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।